करेंगे। भगीना के बारे में सुना है आपने? जैसे आप टीवी में देखे हैं वैसे हम भी टीवी देख रहे हैं, लेकिन क्या है अंदर और परिवार का मामला इसमें हम जानकारी नहीं रख पा रहे हैं कि क्या है नहीं है, जो टीवी अखबार में जो आया है। लेकिन कुछ कुछ जो बात हम सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से, उसमें हमको लगता है कि तेज 15 साल के उम्र से ही वो मथुरा वृंदावन जाता है। आज कोई नया मथुरा वृंदावन नहीं जा रहा है, 15 साल की उम्र से वो जा रहा है। तो तेज तो बड़ा भगना है, अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन अब अंदर का क्या मामला है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्या बात है, कैसे हुआ, कौन लोग इसका शादी करवाया, उनकी वजूद क्या थी, उनकी हैसियत क्या थी। शादी ब्याह के मामला में बड़े बुजुर्ग जब शामिल होते हैं और दो बड़े घर शामिल होता है तो उसमें बड़े लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो अगुवाई करें। अब कौन उनका कौन चपरासी था चंद्रिका जी का, यहाँ से कौन चपरासी था अगुवाई करने वाला, आई लोग बड़े फैसला ले लिया सोच समझ के। शादी ब्याह के मामला में तो सोच समझ के फैसला लिया जाता है, या कहीं पता चलता है कि कोई किसी प्रकार का कुछ है तो वहीं लोग बात ख़त्म कर लेता है। वो तो कह रहे हैं कि बीपी नागमणि और ओम प्रकाश ने ये सब खेल किया, तो ये लोग का क्या हैसियत था? ये तो चंद्रिका राय का पीए बताएगा, या हमारे 10 नंबर में जो रह रहा है लड़का सब वो सब बताएगा। वो सब के क्या औकात था शादी तय कराने का? वो कह रहे हैं कि जबरन शादी करा दी गई, उनकी मर्जी नहीं थी। वही बात हम बोल रहे हैं कि ये लोग तो वही लोग ने बताएगा कि वो लोग क्या सोच के शादी करवाया। जबरन शादी वो नहीं कराया होगा, जबरन शादी तो लालू और राबड़ी देवी ने कराया होगा ना, उनका बेटा है। आखिर कोई ना पेशो पेश में कोई पेशकशी किया होगा ना, जो नाम वो रख रहा है तो ये लोग पेश किया होगा ना। तो भी आपके रिश्तेदार ही हैं। अब हमारा कौन रिश्तेदार है नहीं रिश्तेदार है, हम क्या इसमें बोलेंगे? आप बोलिए ना, हम कैसे बोल सकते हैं? घर का मामला है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स का मामला तो है नहीं। वो तो कह रहे हैं कि मामा के बेटे ने भी काफी अहम भूमिका निभाई है। मामा के बेटा भूमिका निभाया तो वो तो मेरा चचेरा भाई के सब लड़का है, मौसेरा भाई का। क्या करता है वो लोग, क्या अब वो हम नहीं जानते हैं। वो तो हम 2009 से अलग हैं, हमको पता भी नहीं है कि कौन रह रहा है, कौन क्या कर रहा है, पता भी नहीं है। हम तो ठीक से जानते भी नहीं है कि कौन सब लड़का है। तेज प्रताप जिस तरह से कह रहे हैं कि अब मानेंगे नहीं, आपको लगता है कि अब बीच बचाव मध्यस्थता का कोई रास्ता रह गया है? इतना खटास पैदा हो गई। अब सवाल है कि हम इतना जरूर जानते हैं कि तेज अच्छा है, तेज बढ़िया लड़का है, अच्छा भगना है, लेकिन अंदर क्या पक रहा है, अंदर क्या है ये हम पता नहीं है। इसके लिए दोषी किसको मानते हैं, तेज को ज्यादा या ऐश्वर्या को? नहीं, हम किसी को दोषी नहीं मानते हैं, इसमें किसी को दोषी नहीं मानते हैं, लेकिन जो लोग अगुवाई करके शादी ब्याह कराए उनकी स्ट्रक्चर क्या है, ये दोनों परिवार को देखना चाहिए था कि कौन लोग बीच बीच में जो शादी ब्याह की बात कर रहे हैं इनकी स्ट्रक्चर क्या है, इनकी हैसियत क्या है, ये किस लेवल के आदमी है, ये जरूर देखना चाहिए था दोनों परिवार को। आपका कहना है कि चपरासी के लेवल पर निगोशिएशन हो गया? हाँ, इतने बड़े परिवार का, एक मुख्यमंत्री का बेटा, दो दो मुख्यमंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री के पोती, और इतने बड़े परिवार के फैसला ये ऐसे लोग उठा लिए जिसका कोई जान पहचान भी नहीं है, कोई जनता भी नहीं है कि कौन क्या है, और ये बात जब खुल कर यही नतीजा हो गया। ये तो सबको इससे जन बाकी नुकसान हो रहा है, एक आदमी का नुकसान थोड़ी है, सबको नुकसान है। तो आपकी क्या भूमिका होगी, भगीना का मामला है? अब इसमें हमको तो EBCD कुछ जानकारी नहीं है, जो TV पेपर के माध्यम से जो मिल रहा है उस पर आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम बोल रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप भी जानना चाहेंगे कि मामा की भूमिका क्या होगी, आप उनके साथ खड़े हैं या मध्यस्थता करेंगे? ये पहले बताइए कि इस देश में बड़े बड़े लोगों के साथ जो है घटना घट गई है, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ भी इस तरह का घटना घटा है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी इस तरह का घटना को झेल चुके हैं। तो ये कौन नया बात आप बता रहे हैं कि कोई सोनिया गांधी का बेटी प्रियंका गांधी शादी कर ली जो है रॉबर्ट वाड्रा से, ये कौन बड़का नया इशू आप लोग बता रहे हैं, हमको जैसे समझ में नहीं आ रहा। कोई बड़ा इशू नहीं है, तलाक देना ये क्या चीज़ है, ये तो कोई मतलब ये तो अदरूनी घर का मामला है, घर के लोग ने इसको फैसला करेंगे, इसमें हम कहाँ से फैसला करेंगे, हम तो हैं ही नहीं घर में। मामा है मामा है तो मामा तो रहेंगे, भगना है तो भगना रहेगा ही, बहुत करीब है आपके, बहुत करीब है। नहीं नहीं,
अभी 2009 से हमारे पास किसी से हमको कोई संबंध नहीं है। बहन बहनोई तो नाराज है लेकिन भगिनोई तो करीब है, आपसे बात करते रहे। बहनोई नाराज रहे लेकिन वो बहन भी रहेगी और बहनोई भी रहेंगे और मेरा भगना भी रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप तो कवर करिएगा, आप मानिए नहीं मानिए लेकिन लोग तो कहेगा ही। आपको लगता है बहुत बड़ी भूल लालू राबड़ी से हुई है शादी में? हमको ये लगता है जरूर कि शादी करने से पहले ये लोग कोई फैसला मैंने गहराई से नहीं लिया, गहराई से लेना चाहिए था और लड़का और लड़की के दोनों को विचार को जानना चाहिए था कि दोनों को विचार क्या है। और ये चपरासी लेवल पर जो फैसला हो गया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप देख रहे हैं कि साधु यादव ये मामा हैं तेज प्रताप के और इनका